हेलो दोस्तों, मैं हूं रणवीर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल रियल नॉलेज। दोस्तों, आज की जो हमारी ट्रेन की जानकारी है वो है अनूपगढ़ से भटिंडा के बीच चलने वाली स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन की। और दोस्तों, इस वीडियो की रिक्वेस्ट की है अमित धानका ने। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज की हमारी ट्रेन जानकारी के बारे में। दोस्तों, आज की जो हमारी ट्रेन जानकारी है वो है 04772 अनूपगढ़ भटिंडा एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन की। दोस्तों, इस ट्रेन का संचालन उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन 9 जून 2022 से स्पेशल ट्रेन के रूप में करने जा रहा है। दोस्तों, यह रोजाना चलने वाली एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन है जो अनूपगढ़ से भटिंडा के बीच रोजाना चलती है। दोस्तों, अगर बात की जाए इस ट्रेन के ट्रेवल टाइम की, तो यह ट्रेन अनूपगढ़ से भटिंडा की कुल दूरी 220 किलोमीटर को करीबन 43 किलोमीटर प्रति घंटा की एवरेज स्पीड से 5 घंटे और 5 मिनट में तय करती है। और दोस्तों, इस ट्रेन का 11 स्टेशनों पे ठहराव रहता है। दोस्तों, अगर बात की जाए इस ट्रेन को लेकर जाने वाले लोकोमोटिव की, तो इस ट्रेन को लुधियाना या आबू रोड लोकोसेट का WDM-3A या 3D डीजल लोकोमोटिव लेकर जाता है। वहीं दोस्तों, अगर बात की जाए इस ट्रेन में कोचेज की, तो इस ट्रेन में आसिया ब्रेक श्रेणी के कुल 10 कोच रहते हैं, जिनमें 6 कोच जनरल क्लास, 2 कोच स्लीपर क्लास के और 2 कोच SLR के रहते हैं। दोस्तों, अब अगर बात की जाए इस ट्रेन के किराए की, तो इस ट्रेन का जनरल क्लास का किराया 80 रुपये और स्लीपर क्लास का किराया 115 रुपये रहता है। दोस्तों, यह किराया अनूपगढ़ से भटिंडा तक का है, लेकिन यह अपडेटेड किराया नहीं है, क्योंकि रेलवे समय समय पर इस किराए में बदलाव करता रहता है। इसलिए अपडेटेड किराए की ज़्यादा जानकारी के लिए रेलवे टिकट काउंटर या रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं इस ट्रेन का किन किन स्टेशनों पर ठहराव रहता है और उन स्टेशनों पे इस ट्रेन का टाइम टेबल क्या रहता है। दोस्तों, ट्रेन नंबर 04772 अनूपगढ़ भटिंडा एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन रोजाना दोपहर में 12:15 पे अनूपगढ़ से रवाना होती है। दोस्तों, यहाँ से रवाना होकर यह ट्रेन पहुँचती है 12:31 पे रामसिंहपुर, और 2 मिनट ठहरने के बाद 12:33 पे यहाँ से ये रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों, इस ट्रेन का अगला ठहराव रहता है श्री विजयनगर, 12:49 पे यहाँ पहुँचती है और 2 मिनट ठहरने के बाद 12:51 पे यहाँ से ये रवाना हो जाती है। दोस्तों, दोपहर में 1:14 पे यह ट्रेन पहुँचती है सरूपसर जंक्शन और 2 मिनट ठहरने के बाद 1:16 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। दोस्तों, सूरतगढ़ जंक्शन यह ट्रेन पहुंचती है दोपहर में 1:50 पे और करीबन 23 मिनट ठहरने के बाद दोपहर में 2:13 पे यहां से रवाना हो जाती है। दोस्तों, सूरतगढ़ जंक्शन पे इस ट्रेन का लोकोमोटिव एवं रेक रिवर्सल होता है और ट्रेन रिवर्स डायरेक्शन में आ जाती है। इसके बाद दोस्तों, यह ट्रेन पहुँचती है अपने अगले ठहराव पीली बंगा दोपहर में 2:36 पे और 2 मिनट ठहरने के बाद 2:38 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। दोस्तों, डबली राठान यह ट्रेन पहुँचती है 2:50 पे और 2 मिनट ठहराव के बाद 2:52 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। दोस्तों, हनुमानगढ़ जंक्शन यह ट्रेन पहुँचती है दोपहर में 3:12 पे और करीबन 5 मिनट ठहरने के बाद 3:17 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। दोस्तों, संगरिया यह ट्रेन पहुंचती है 3:40 पे और 2 मिनट ठहरने के बाद 3:42 पे संगरिया से रवाना हो जाती है। दोस्तों, इसके बाद इस ट्रेन का अगला ठहराव रहता है धाबा, 3:52 पे यहाँ पहुंचती है और 2 मिनट ठहरने के बाद 3:54 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। दोस्तों, मंडी डब्बा वाली यह ट्रेन पहुँचती है शाम 4:10 पे और 5 मिनट ठहरने के बाद 4:15 में यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों, यह ट्रेन पहुँचती है अपने सेकेंड लास्ट स्टॉपेज संगत शाम में 4:35 पे
और 2 मिनट ठहरने के बाद 4:37 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों यह ट्रेन पहुँचती है अपने लास्ट स्टॉपेज भटिंडा जंक्शन शाम 5:20 पे और यहाँ तक 220 किलोमीटर की यात्रा तय कर लेती है। तो दोस्तों यह थी 04772 अनूपगढ़ भटिंडा एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन की जानकारी। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।